नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेश एक मशीन 57 लाख के घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 67 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता, मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि इसमें 2 विक्रय मूल्य दिए हैं, तो हम लिखेंगे SP1 और SP2, राइट। तो SP1 हमें कितना दिया है, 57 लाख, और SP2 हमें क्या दिया है, 67 लाख, राइट। तो वो कह रहा है कि राजेश एक मशीन 57 लाख के घाटे में बेचता है, यानी कि उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, राइट। यदि उसने 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ, यानी कि 67 लाख में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, राइट, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 7 गुना होता, उसके लाभ उसका 7 गुना होता, यदि हानि 1 है तो लाभ 7 होता। तो हम देखेंगे कि जब विक्रय मूल्य अलग होते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के विक्रय मूल्य के लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जब विक्रय मूल्य अलग अलग होते हैं तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 57 माइनस 67, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। अब एक लाभ है और एक हानि है, जब अलग अलग होते हैं तो वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि 7 और 1 8 हो गया। अब हम हानि निकालना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हानि निकालेंगे तो क्या होगा, SP बराबर CP माइनस लॉस, तो लॉस हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो लाभ आएगा, यहाँ पे हानि आएगी, जो हानि हम हानि ली है तो हानि आएगी, हानि क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो काटेंगे 2 चौक 8 2 पंजे 10, ये आ गया हमारा 5/4। अब 5 को हम 4 से भाग कर ले, 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 बताया, 4 पंजे 20, तो ये हमारा क्या आ गया, 1.25 क्या आ गई, हमारी हानि आ गई, राइट। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, SP बराबर CP माइनस लॉस, लॉस का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ से हमें CP निकालना है, तो CP निकालेंगे तो ये L हमारा इधर माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, SP प्लस लॉस। तो SP हमने लाभ 1 लिया है, हानि 1 ली है, तो हमारा ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है हमारा 57, और इसमें लॉस हमारा कितना आया है, 1.25, इसको हम ऐड कर देंगे, 57.00 में 1.25 ऐड करेंगे, 5285, यानी कि 58.25 CP आ गया हमारा 58.25 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन हमारा A इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।